राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आरसीबी टीम को रोधक क्वालिफायर टू मुकाबले में भिड़ेगी। इस टीम से आरसीबी टीम का सफर खत्म। नमस्कार दोस्तों, टाटा आईपीएल 2024 एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी वर्सेज आरआर टीम के बीच भिड़ंत हुआ। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आरसीबी टीम को 4 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। अब क्वालिफायर टू मुकाबले में 24 मई को हैदराबाद की टीम से भिड़ेगी। दोस्तों, जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से फाइनल में भिड़ंत होगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम की जीत पर दिल से एक लाइक जरूर करें आरआर फैंस। दोस्तों, संजू सैमसन ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी चुनी। आरसीबी की टीम से विराट कोहली 33 रन, पाटीदार 27 रन, रोमरों 32 रन की पारी से 20 ओवर में आरसीबी की टीम 8 विकेट खोकर 172 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल 0 रन बनाकर आउट हुए, जो आरसीबी टीम को तगड़ा झटका पहुंचाया था। दोस्तों, अश्विन 2 विकेट, अवेश खान 3 विकेट, बाकी राजस्थान के गेंदबाज 1-1 विकेट हासिल किए। 173 रन के लक्ष्य को पीछा करने उतरे राजस्थान रॉयल्स की टीम रावन पवेल की शानदार छक्के से 19 ओवर में 6 विकेट खोकर यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। यशस्वी जायसवाल 45 रन, रियान प्रयाग 36 रन, रावन पवेल 16 रन, हिटमार 26 रन का योगदान दिया। दोस्तों, आर अश्विन की शानदार 2 विकेट की गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, आरसीबी टीम के हार के बाद विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, दिनेश कार्तिक काफी ज्यादा इमोशनल मैदान पर दिखाई दिए। वहीं राजस्थान रॉयल्स के खेमे में सेलिब्रेशन दिखाई दिया। राजस्थान वर्सेस हैदराबाद के बीच कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके अपना राय जरूर दे। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। जय हिंद।